महिला T20 वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। बता दें कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का अपना आगाज पाकिस्तान के साथ पहले मुकाबले के साथ करेगी। केप टाउन के मैदान पर दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना चोट के कारण इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है। बहरहाल इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप हो या फिर T20 मैचेस हो, बड़ा ही शानदार रहा है। अगर टीम इंडिया और पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों देशों के बीच 13 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान को केवल 3 ही बार जीत मिल पाई है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम केवल भारत को 2 बार हरा पाई है और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4 बार हराया है, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो 2 गुना है। अब तक दोनों देशों के बीच T20 वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले कुल खेले गए हैं। वहीं स्मृति मंधाना की बात करें तो वार्म अप मैचेस जब भारतीय टीम खेल रही थी उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेला गया, उसी दौरान स्मृति मंधाना चोटिल हो गई और इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ वे टूर्नामेंट का अपना पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। हालांकि वे वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले तक भी फिट होंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। अगर बात करें मौजूदा स्क्वाड में टीम इंडिया के लिए जिस खिलाड़ी पर सभी की नजरें होंगी तो वो कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी। हरमनप्रीत कौर के महिला T20 वर्ल्ड कप में आंकड़े बड़े शानदार हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में राधा यादव का भी रिकॉर्ड काफी शानदार देखने को मिलता है। पाकिस्तान के लिए बिस्मा मरूफ और नीदा दार दो ऐसी खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारतीय टीम को परेशान कर सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा और साथ ही ग्राउंड के रिकॉर्ड की नजर डालें तो अब तक यहां पर 6 मुकाबले इस ग्राउंड खेले गए हैं। पहली बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीतने में कामयाब रही है। ऐसे में दोनों कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की तरफ जा सकते हैं। मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, मुकाबला 40 ओवर का होने वाला है और इसी का इंतजार फैंस कर रहे हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है, क्योंकि हाल ही में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भी शेफाली वर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में ही जीता है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।